अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रुबाब और रुबाब किचन में आपका वेलकम करती हूँ। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बच्चों के लिए बहुत ही टेस्टी मटर कीमा की सैंडविचेस बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी, जो बहुत आसान है। कल हमने जो सालन आपके साथ शेयर किया था मटर कीमा का, बिल्कुल वही ऐड करके हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ पीस ले लिए हैं ब्रेड के, तो अब इनको मैं सैंडविच मशीन में रखूँगी और इस पे सालन, मटर कीमा का सालन ऐड करूँगी। बहुत टेस्टी बनेंगे, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, बच्चों को तो बहुत पसंद है। अब हम इसके ऊपर दूसरा पीस रख के और मशीन को 5 मिनट के लिए बंद कर देंगे। पाँच मिनट होने के बाद हम इसको चेक करेंगे, लगभग हो गए। ये देखें, धुआं निकल रहा है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी, उससे काफ़ी क्रिस्पी हो जाएंगे, बहुत अच्छा टेस्ट भी आ जाएगा, वो हम इसके ऊपर 1 टीस्पून इस सैंडविच पे और 1 टीस्पून दूसरे सैंडविच पे लगा देंगे और इसको दोबारा से बंद करके 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा रख देंगे। ये देखिए, घी हमने लगा दिया है, अब हम इसको बंद करेंगे। देखा आपने कितनी झटपट तैयार हो गई ये रेसिपी हमारी। ये देखिए, अब तैयार हो गए हैं। देखा व्यूअर्स आपने कितनी झटपट ये रेसिपी तैयार होगी। बच्चों की मोस्ट फेवरेट डिश है, तो इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।